हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, बट ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा इस बार। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले बार से ज़्यादा ठंडा हो रहा है, पर पता नहीं क्यों। इस बार तो बारिश भी नहीं हुई अभी। और शाम के 5 बज गए हैं, सूरज डूब चुका है, आप लोग को पीछे दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं जला रही हूँ आग ताकि शाम तक कोयले हो जाएं और अंधेरे में हम कोयले कोयले अंदर ले जा सकें, वरना तो आग ऐसे अंदर ले जाके तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए फटाफट आग जला रही हूँ, और आग मेरे से कभी नहीं जलती है, बट आज मुझसे आग जल गई है। और ये काम करता है एज अ पहाड़ी हीटर, तो इसको हमने बीच में इसी का जो कनस्तर का ऊपर का ढक्कन होता है ना, उसको बीच में अटका रखा है ताकि जो राख राख है वो नीचे चल जाए और कोयले कोयले ऊपर रह जाए। तो जाल जैसा बना रखा है इसको बीच में काट के, और जो वाइंडिंग वायर होता है उससे हैंडल बना रखा है ताकि हम इसको पकड़ के अंदर ले जा सकें और हमारे हाथ ना जलें। तो शाम होते ही ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन देती है कि सब्जी क्या बनानी है, और वो भी उसी को देती है जिसने बनानी होती है। मतलब जो औरतें हैं घर में, हाउसवाइफ हैं, जो घर में काम करती हैं, या जो घर में जो भी घर में मतलब खाना बनाने का काम करता है, उसको ये चीज़ टेंशन देती है। क्योंकि खाना बनाने वाले को तो नहीं, खाना खाने वाले को तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती कि आज क्या बनाना है या आज क्या नहीं बनाना है। तो जो खाना बनाता है उसको टेंशन होती है, जैसे अभी रात का बनेगा, फिर हम सुबह के बारे में सोचेंगे कि सुबह क्या बनाएंगे हम। और जैसे हम सुबह का खाना खाएंगे और थोड़ा सा फ्री होंगे, बर्तन वगैरह धुलेंगे, फिर हम दिन में का सोचने लग जाते हैं, और उसके बाद हम शाम का सोचने लग जाते हैं। वैसे मैं अभी अभी क्या मैं वैसे 2:30 बजे के आसपास पहुँच गई थी घर, मायके से घर। और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, मूंगफली खाई मस्त बैठ के और धूप सेकी। और अभी बहुत देर से एक नाकाम कोशिश करने के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से कामयाबी मिली है आग जलाने में। तो मैंने आग जला ली है, मुझसे वैसे कभी आग जलती नहीं है, बट अभी मम्मी घर पे नहीं है तो मम्मी ने बोला कि आग जलाने की कोशिश तो करना। मैंने कहा कोशिश तो कर ही सकते हैं, तो मैंने कोशिश करी। तो आज क्योंकि ना पॉलीथीन से आग जल जाती है, तो इतना ज़्यादा पॉलीथीन था मेरे पास आज, ये वाला कट्टा था, कट्टा मैंने पूरा कट्टा ही जला दिया। तो वैसे ये सब चीज़ें पॉल्यूशन बहुत करती हैं, जलाना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, मुझसे जलती नहीं आग, तो इसलिए मैंने जला दिया उसको। तो अभी आग मस्त आग सेकती हूँ, और उसके बाद सब्जी वब्जी काटती हूँ। आटा वाटा तो गूंद लिया है, और सब्जी बनाते हैं, खा पी के मस्त सो जाते हैं। क्योंकि आजकल ना ठंडा होता है बाहर, ना टीवी देखने का मन करता है यहाँ, और ना बैठ के गप्पे लड़ाने का मन, बस बिस्तर में जाओ और सो जाओ ऐसा मन करता है। कि फ़ोन चलाओ भले ही नींद आए ना आए, बिस्तर में जाने का मन करता है किसी का, मेरा तो करता है, मेरे ख्याल से सभी का करता हो, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ने लगी है। तो थोड़ी देर में आग सेकती हूँ और उसके बाद जाती हूँ अंदर को झाड़ू। और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है यार, बहुत ही ज़्यादा। तो ना शाम को मैं सब्जी बनाने वाली हूँ मूली की, तो मैंने मूली कद्दूकस कर लिया है, और शिमला मिर्च रखी थी मेरे पास एक, तो मैंने वो भी काट लिए, और प्याज और टमाटर। और मैंने ना 21 दिन का मैराथन तो मैंने ना 21 दिन का मैराथन चैलेंज लिया था। तो उसमें जो भी हमारे कोच वगैरह हैं वो रेसिपीज भेजते, नई नई, कि आपको लंच में क्या खाना है, आपको डिनर में क्या खाना है, और आपको आज कौन सा जूस पीना है, ये सब कुछ भेजते हैं। बट मैं इधर उधर चले जा रही हूँ और मेरा कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, और मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। तो आज भी मैंने अपनी रेसिपी छोड़ी है और आज मैं ये सब बना रही हूँ। और ना जिस टाइम मैंने आग जलाई थी इतनी मस्त आग जली थी, बट अभी पता नहीं क्या हो रहा है, इतना धुआं ही कितना धुआं निकल धुआं रहा आ है, आग गया नहीं जल देख, रही है। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने इसको दोबारा जला रखा है, बुझ गई थी, फिर मतलब बुझ देखो गया। फिर से दादी बुझ क्या गई। कैसी आग जलाई तो आज पता नहीं मैंने, क्यों ऐसे हो रहा है, इतना गंदा धुआं धुआं ही आ रहा धुआं हो है, गया। बट अरे उस मम्मी समय इसको जल जला गई ही थी दिया था। अच्छी खासी। तो हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और सुबह हो गई है और मैं रात का वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, तो सुबह उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज सुबह सुबह हम बना रहे हैं सैया, जो कि एक पहाड़ी डिश है, और ये बनता है चावल के आटे से, और स्वीट डिश है, मतलब इसको चावल के आटे को पहले गूंथ के घी में डालना पड़ता है, और उसके बाद ऐसे क्रश कर करके कट करके इसको बहुत छोटा बनाना पड़ता है, जैसे पूरा गुंथा हुआ आटा उसमें डाल देना पड़ता है। वरना हम उसका जैसे हम पेस्ट बनाते हैं ना माड़े बनाने के लिए, वैसा भी बना सकते हैं, बट वो पूरा चिपक जाएगा, वो ऐसा नहीं बनेगा, इसलिए हमको इसको आटा गूंथ के डालना पड़ता है।
और देखो फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने इतना सख्त बनाया था और मैं इसको क्रश करते करते अब ये बन ही गया है मेरा। तो इसमें मैंने चीनी भी डाल दिया है। और यहाँ मम्मी और ध्रुव क्या कर रहे हैं देखो। दादी के लिए लाई गई थी, ध्रुव के लिए नहीं लेके आए थे ये गाड़ी को। कहाँ जा रहे हो धारचूला? हैं? बाय 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 बाय। तो नाश्ते में आज हम यही खाने वाले हैं, सैया और कॉफ़ी। यह है इसके पापा के लिए और इसके पापा बाहर पे बैठे हैं धूप में। और ना मैं वीडियो को पूरा एज अ कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, तो जैसे मैंने सुपर का क्लिप दिखाया था और तो डायरेक्ट हम दिन में पहुँच गए, दिन के दोपहर के 12 मेरे आसपास बज रहे होंगे। और ध्रुव अपनी ताई के साथ स्कूटर पे खेल रहा है। ओए जीता रहे, आजा मेरी गाड़ी में बैठा कहते। देख मैं यहाँ पा रहा बल, देख मैं यहाँ पा रहा बल। इन्हें बस बस तो तार बस मेरा टूट जाली। नहीं नहीं भाई नहीं। टीडी आ टीडी 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 टीडी। अरे हाथ लगून जा मरे यो यो ए दूध ना खानो का काकी ओ काकी ले आ छा। मम्मी आपकी काकी हैं? सुरभि चा दे जे हाथ पाड़ वाली ध्रुव वाला क्या है तुम्हारे पास? नानी ने कितनी बनाई है, पहनता थोड़ी है तू। छड़छुड़ी ना घूनो हम भी निशाली हूँ जा काकी छड़छुड़ी ना घूम पता ला अच्छा था। मम्मी मना नहीं आ, पापा लाए थे मम्मी वाले धोती हुई तो ऊपर अंधा हो। हाला ये कितने का? ये वाले सॉक्स कितने के दे रहे हो आप? बाजार भी 40 के। और तो 40 दो जोड़ 50 में। हाँ मैंने कहा इस बार 40 के 50 में एक जोड़ पिछले।